So, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं गाइस कि हमारे पास ये हमारा 120 जीबी का एसएसडी है जो कि एक्सटर्नल एसएसडी है। मैंने केसिन खरीद के इसको लगाया और आप भी 200-250 में मार्केट में आता है, आप ले जा सकते हो। ठीक है, अभी मैं अपने लैपटॉप का जो भी सी ड्राइव है उसको इसमें मैं क्लोन करूंगा और किसी दूसरे तीसरे सिस्टम में, चाहे उसी पर्टिकुलर सिस्टम में, आपको बूट करके दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर एसएसडी से विंडो 10 बूट करके दिखाऊंगा। मतलब ये कि हम दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में जाके अपने कंप्यूटर का डेटा यूज कर सकते हैं, बस मेरे को ये एसएसडी ले जाने होंगे उस जगह। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको वन बाय वन बताएंगे कैसे करते हैं और कौन से सॉफ्टवेयर का मदद लेते हैं इसके लिए। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। इसमें दो एप्लीकेशन, एक गूगल क्रोम का ब्राउजर और एनी डेस्क इंस्टॉल कर रहा हूं ताकि इसके अंदर वो फीड हो जाए और दूसरे सिस्टम में जब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊं तो वो दोनों एज इट इज इसमें फीड हो, ताकि कहीं भी बूट करें तो हम एनी डेस्क और क्रोम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप रेगुलरली यूज में लेते हो और कहीं भी यूज करना चाहते हो तो उसको आप इसमें इंस्टॉल कर लो फिर क्लोन कर लो। तो इस काम को करने के लिए आप गूगल क्रोम में आके डिस्क जीनियस करके एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल ही फ्री है, हम इसका फ्री वर्जन को यूज करके ये काम करेंगे और पेड वर्जन भी इसका आता है, बट हमारा फ्री वर्जन में ये काम हमारा क्लोनिंग वाला स्पेशली हो जाता है। तो वेबसाइट पे आके आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ये बेसिकली आपके डाउनलोड फोल्डर में जाकर डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसके सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद जो बेसिक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो यस यस करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद गैस जिस हार्ड डिस्क या एसएसडी को आप पोर्टेबल बनाना चाहते हैं उसको अपने लैपटॉप से या जो भी डेस्कटॉप में कर रहे हैं तो कनेक्ट कर लें उसको। एक बार कनेक्ट करने के बाद एक चीज मेक श्योर करें, जब आप दिस पीसी में आएंगे तो मेक श्योर करेंगे कि सी ड्राइव में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसका दुगना या फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा आपके एसएसडी या हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए और वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपका हार्ड डिस्क क्लीन नहीं है, आपने कुछ डेटा है तो उसका बैकअप ले लीजिए। अब इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमने डिस्क जीनियस नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ जाएगा और इसको आप यस कर देंगे। एक बार ये खुल जाए, खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे OS माइग्रेशन करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो एक्सटर्नल मेरा एसएसडी कनेक्ट है वो यहाँ पे शो होने लगा, जो कि 120 जीबी का है बट 111 समथिंग शो करता है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे और आपको कहेगा कि जो अभी इस पे फाइल है, डिस्क है, वो ओवर रिटर्न हो जाएगा, तो मैं इसको ओके कर लूँगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सोर्स है हमारा और ये हमारा टारगेट है, मतलब इसका जो है इसमें आके क्लोन होगा। ओके, नीचे यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे और स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करना, हॉट माइग्रेशन के केस में थोड़ा सा एंटीवायरस का इशू हो सकता है आपको, तो रिबूट टू विन पी में आप जाकर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब बोल रहा है आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, मैं ओके करूंगा और सारा प्रोसेस ये अपने आप करेगा, मेरे को कोई बटन या कुछ भी माउस कर्सर छूने का जरूरत नहीं है। आप देखिए ये कैसे करता है, मैं जस्ट ओके करता हूं और ये एक बार को मेरा पीसी रीस्टार्ट होने लगेगा। रीस्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे ये टर्न ऑन हो गया है और जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक ये खुद व खुद करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा हाथ यहाँ आप देख सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक उस सॉफ्टवेयर द्वारा हो जाएगा और जाकर जो भी सी ड्राइव में हमारा पड़ा हुआ है वो पोर्टेबल हमारा इसमें आके क्लोन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारा चीज ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब एक नोटिस आता है, नोटिस होने के बाद आपको बताता है कि ये माइग्रेट होने लगेगा और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपके, अगर हार्ड डिस्क है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, एसएसडी है तो थोड़ा कम समय लगेगा, अगर यूएसबी 2.0 है तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा और 3.0 है तो थोड़ा फास्ट होगा। तो अभी ये सिस्टम जो बूट हुआ है वो हमारे हार्ड डिस्क से बूट हुआ है। अभी मैं आपको दिखा दूँ खोल के इसको, तो यहाँ पे आप देखेंगे विंडो 10C जो हमने रीनेम किया था वो विंडो 10C यहाँ दिखा रहा है और जो अभी वाला मतलब करंट में इसके अंदर इसके हार्ड डिस्क में जो इंटरनल लगा हुआ उसमें जो इंस्टॉल विंडो है वो यही है, देख लो, समझ रहे हो? मतलब हम विंडो 10 को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से बूट कर पाए हैं अपने लैपटॉप के अंदर। गाइस जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपका जो ये हार्ड डिस्क है पोर्टेबल बन चुका है, अब हम इसको कहीं भी लगा के यूज कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकता है कि आपको अपने बायोस के अंदर बूट प्रायोरिटी में इसको सेट करना होगा या इसके थ्रू अपने सिस्टम को आप बूट करेंगे तो जाके इसके थ्रू बूट होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपको एक बार सेटिंग करना होगा जाके बायोस में। कैसे करते हैं एक बेसिक मैंने ओवर भी आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देख लें, अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं कि बूट प्रायोरिटी कैसे सेट करें बायोस में जाके, वो चीजें आप देख सकते हैं जाके। तो गाइस अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।